वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है, इफ़ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स. ओके, सीरीज गिवेन है, हमें चेक करना है कि ए पी है या नहीं. अगर ये ए पी होगा तो हमें थ्री टर्म्स और लिखने हैं. ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये ए पी है या नहीं. तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट चेक कर लेते हैं कि सीरीज ए पी है या नहीं. पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ए पी है या नहीं. तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए टू माइनस ए वन इक्वल टू. तो सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 1/2 एंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस वन बाई टू इक्वल टू -1/2 एंड +1/2 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस जीरो. एंड देन a3 माइनस a2 इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म क्या है, -1/2 माइनस ए टू कितना है, -1/2 इक्वल टू -1/2 +1/2 इक्वल टू जीरो. ओके, देन a4 माइनस a3 इक्वल टू फोर्थ टर्म क्या है, -1/2 एंड -1/2 इक्वल टू -1/2 +1/2 इक्वल टू जीरो. ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, 0, 0 और 0. तो डेट इज ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम. कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो पहले लिख देते हैं दिस इंप्लाई कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना है, कॉमन डिफरेंस 0. और जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो ए पी होगा. तो देयरफोर इट इज ए पी, या ए पी है, ये सीरीज ए पी है. ओके, देन क्या था, इफ दे फॉर्म एन ए पी, अगर ये ए पी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स. तो अगर ये ए पी है तो हमें थ्री टर्म्स और लिखने हैं, और ए फोर तक तो गिवन है, तो हम ए फाइव लिखेंगे फिफ्थ टर्म. तो ए फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए फोर प्लस कॉमन डिफरेंस, ए फोर कितना है, -1/2 एंड प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 0. तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू -1/2. ओके, देन ए सिक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए फाइव प्लस कॉमन डिफरेंस. तो ए फाइव कितना है, -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2. ओके, देन ए सेवन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सिक्स प्लस कॉमन डिफरेंस, ए सिक्स कितना है, -1/2 एंड प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 इक्वल टू -1/2. ओके, यही था कि पहले हमें चेक करना था कि ए पी है या नहीं. तो हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ए पी है, एंड हमें थ्री टर्म्स और लिखने थे.